हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन दिया हुआ है जिसको दबाइए। सो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि IBPS RRB का एग्ज़ाम आने वाला है। दोस्तों एग्ज़ाम्स के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इतने कम दिनों में भी आप अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। आरआरबी के बैंक के सभी एग्ज़ाम्स दो पार्ट्स में होते हैं, एक प्री और एक मेंस। अब हम बात करते हैं आरआरबी के प्री की। आरआरबी के प्री में दो सब्जेक्ट आते हैं, मैथ और रीजनिंग। दोनों 40-40 क्वेश्चन होते हैं दोनों में, और दोनों 40-40 मार्क्स के आते हैं। मतलब टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और 80 मार्क्स के आते हैं, जिसमें हमारे पास टोटल टाइम 45 मिनट्स है। दोस्तों इस टाइम को हमें खुद से डिवाइड करना पड़ता है कि हम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे। वैसे अगर मेरे हिसाब से तो कि हमें रीजनिंग को देने चाहिए 20 मिनट्स और हमें मैथ्स को देने चाहिए 25 मिनट्स फॉर मैथ्स। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की, जिसमें आप बहुत कम टाइम में जल्दी से अच्छे से मार्क्स कैसे ला सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की, तो रीजनिंग में जो इनइक्वालिटी वाला पोर्शन है वो 5 मार्क्स स्कोर करता है। दोस्तों ये पैटर्न बहुत इजी है और आरआरबी में बहुत ज़्यादा टफ इनइक्वालिटी नहीं पूछी जाती है, सिंपल इक्वेशन बेस्ड इनइक्वालिटी पूछी जाती है। तो इसमें आप 5 मार्क्स 1-2 मिनट्स मैक्सिमम। फिर हम बात करते हैं सिलॉगिज्म की। दोस्तों सिलॉगिज्म में भी 5 मार्क्स का आता है। फ्रेंड्स ये भी बहुत इजी तरीके से आता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं करते हैं ये लोग। अब हम बात करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग की। दोस्तों 2016 के एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग 7 मार्क्स का आया था, जिसमें भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें भी सिंपली क्वेश्चंस आए थे। अब हम बात करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग की। ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी 1-2 क्वेश्चन देखे गए थे पिछले वाले एग्जाम में। अब हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन भी बहुत टफ नहीं आया था, एक बहुत इजी पैटर्न था और 5 मार्क्स का आया था। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की, जो कि 2 मार्क्स का आया था। फ्रेंड्स आजकल बैंकिंग के एग्ज़ाम में हमें सिटिंग अरेंजमेंट और पजल बहुत ज़्यादा मार्क्स के और बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लास्ट टाइम भी 4 सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मिल के आए थे, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट आया था, मैं आप लोगों को बता दूँ, 1 लाइनर, टेबल, सर्कुलर टेबल, जिसमें सर्कुलर टेबल में फेस इनसाइड था। तो दोस्तों अगर हम इसमें दो सिटिंग अरेंजमेंट भी सॉल्व कर लेते हैं तो भी हमारे पास 10 मार्क्स हो गए। इनइक्वालिटी और सिलॉगिज्म से हम इजीली 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, टोटल 20 मार्क्स हो गए। कोडिंग डिकोडिंग में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7 मार्क्स का कोडिंग डिकोडिंग है, जिसमें हमने 5 मार्क्स भी मान लेते हैं अगर मैक्सिमम, तो भी हमारे 20-20 मार्क्स हो गए। फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन बहुत इजी आया था, 5 मार्क्स ब्लड रिलेशन के हो गए। तो इस तरीके से हम देखें तो हम बहुत ही कम टाइम में 30-35 स्कोर आराम से कर सकते हैं, बहुत ही ईजली। सो फ्रेंड्स अब आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा मैथ्स का पैटर्न। फ्रेंड्स अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी 40 मार्क्स का आया था। मैथ्स को हम 25 मिनट्स दे सकते हैं। अब सीरीज के 5 क्वेश्चन आए थे 5 नंबर के, सिंप्लीफिकेशन के भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, इनइक्वालिटी मैथ्स की इनइक्वालिटी भी 5 मार्क्स की आई थी। अब हम बात करते हैं पिछली साल 3 DI आई थी जो 15 मार्क्स की थी, और सभी टॉपिक से अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, पाइप एंड सिस्टम्स, बोट एंड स्ट्रीम, इन सभी से मिला के 10 क्वेश्चन ही आए थे। अगर हम मैथ्स की बात करते हैं फ्रेंड, तो सिंप्लीफिकेशन 5 मार्क्स हमारा पक्का होता है, इसमें ज़्यादा टिपिकल नहीं होता। इनइक्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा टफ फैक्टर्स नहीं पूछते हैं आरआरबी में। 10 मार्क्स हो गए, सीरीज़ भी सिंपल ही आती है, 15 मार्क्स हो गए। अगर हम DI की बात करें,
वैसे तो आरआरबी में बहुत ही इजी डीआई पूछी जाती है, फिर भी अगर हम आरआरबी की बात करते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन एवरेज से, परसेंटेज से दो क्वेश्चन, तो इस तरीके से तीन क्वेश्चन तो बहुत ही इजी आते हैं। तो अगर हम तीन डीआई आई थी तो भी हम 9 मार्क्स तो मान ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम मैथ्स में भी 30-35 आराम से स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ की। फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर रीजनिंग और मैथ्स में जनरल का कट ऑफ किया था रीजनिंग में 15 और मैथ्स में 12.25 और अदर कैटेगरीज में 10.75 और मैथ्स में 8.50। अगर हम ओवरऑल और कट ऑफ की बात करें, यूपी की कट ऑफ की बात करें, तो यूपी में जनरल का कट ऑफ ओवरऑल गया था 52.25, ओबीसी का 49.50 और एससी का 44। फ्रेंड्स अगर आप किसी और भी स्टेट का कट ऑफ जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स करिए, मैं आपको सभी स्टेट के कट ऑफ आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ इसको शेयर करें, क्योंकि आरआरबी के एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह सका, तो हमारे बाद बाकी दोस्त भी एक ये जान लेंगे कि किस से कितने क्वेश्चन आते हैं, हमें किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। अब जैसे आजकल पजल और सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा आता है, अब 9 तारीख से आरआरबी का एग्ज़ाम स्टार्ट है, 9 तारीख को आरआरबी पीओ का पहला पेपर है। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको जैसे ही आरआरबी का कोई भी पेपर होगा, मैं पेपर पैटर्न कैसा आया था, पेपर कैसा आया था, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।